इसलिए किया क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी और सबसे लाडली हूँ, तो इस वजह से उन्होंने मेरे पर अटैक किया कि घर में सब टूट जाएंगे, और असल में सब टूट गए। तो इस वजह से मैं और मेरी बहन दोनों जा रहे थे रास्ते में, वो अपने कजिन लोग के साथ में थे, फिर उन्होंने हम दोनों बहन जा रहे थे, उन्होंने मेरा एक लड़के ने मेरा बाल पकड़ा, दूसरे ने बाइक ला के खड़ा किया, और मेरे जीजा जी ने उन्होंने मेरे फेस पे एसिड डाल दिया। से मैं आया ये तो छोड़ो, बस जो मैं बोलने वाला हूँ उस पे तुम गौर दो। क्या कभी गिरी एक बूंद भी तेजाब की बदन पे, क्या कभी लगा ऐसा कि तुम खुद का ही गला घोट दो, धागे तोड़ दो रिश्तों के, सबसे ज्यादा तुम चाहने लगो मौत को। आंखें बंद कर चिंता में रहो, सांसे चलते हुए भी लगे जिंदा ना हो, जब चिलता ना हो दर्द और लहू रुक पाए ना, लगे जैसे टूटी पड़ी हो पूरी कायनात, समझ आए ना कि जीवन जिया जाए क्यों, क्यों पास भगवान भी बुलाए ना, सब लगे पूरे सपने सा, सपना भी वो जो कभी भूला जाए ना, कभी सोचा कैसा लगता होगा कि जब जब खुद ही को ही ना पहचान पाओ देख आईना, कैसा ये समाज है ये कैसा कायदा, और कैसा इंसाफ क्यों ये समझ आए ना, छुपाने से भी जो ना छुप पाए वो ये दर्द, और हर दिन लगे दुश्मन आए ना, कैसा ये समाज है ये कैसा कायदा, और कैसा इंसाफ क्यों ये समझ आए ना, छुपाने से भी जो ना छुप पाए वो ये दर्द, और हर दिन लगे दुश्मन आए ना। किसी की वो बेटी, किसी की वो माँ, किसी की वो बहन और किसी की आंखों का तारा, किसी के लिए वो होती पूरा जीवन और किसी के लिए वो पूरे जीवन का सहारा, किसी के लिए होती वो घर का चिराग, किसी के लिए हौसला जो बदल दे जमाना, ये गाना कम है ये ज्यादा दर्द का बयां, हर उस शख्स के लिए जो मुझे सुन पा रहा, चेहरा करके खराब किसी का तेजाब से, क्या ऊपर जाके कोई भी जवाब दे पाएंगे, ये कर हद पार सब भूल जाते कि रहना होता इंसानियत के दायरे में, आज घर जाके मारना चेहरे पे एक निशान, और देखना खुद को फिर खड़े होके आईने में, जब आत्मा चीखेगी बार बार तब जाके तुम्हें सारे दर्द समझ आएंगे। ये यहाँ एक आज रेडियो फेस्टिवल हुआ है, दोनों बॉयज बहुत टैलेंटेड हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक ट्विटर पे ट्वीट किया था जहाँ मैंने इनवाइट किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर से जो आर्टिस्ट हैं, जो हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हिप हॉप एक भाषा होती है, हिप हॉप में पोइट्री होती है, और वो पोइट्री होती है एंटी इंस्टीट्यूशनल, एंटी सोसाइटी में जो भी इल्स हैं उनके विरुद्ध। तो मैंने जब ट्वीट किया तो कुमुद ने, यहाँ एक नौजवान है मोदी नगर के डिंडार गांव के हमारे नौजवान हैं, इन्होंने रीच आउट किया, इन्होंने अपने काम को भेजा, फिर मेरी इनसे मुलाकात हुई, मुझे लगा कि इनके अंदर बहुत टैलेंट है, और मैंने इनसे एक दरख्वास्त की कि जो हम करने जा रहे हैं 8 मार्च को एक बड़ा इवेंट, मैं चाहता था कि ये अपने शब्दों में उस दर्द को रखें आगे। इन्होंने खुद इस गाने को लिखा है, गाना आईना है, आज पहली बार इस गाना को इन्होंने दुनिया के आगे पेश किया है, और तालियां भी बजी, लोगों ने सराहा है, और गाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गाने के पीछे जो शब्द के पीछे जो भावना है, जो संदेश, एसिड अटैक्स के खिलाफ जो एक जन भावना, जन आंदोलन की आवश्यकता है, वो भावना लोगों में जागरूक हो।